हाय स्टूडेंट्स, तो अब हम लेकर के आ गए हिंदी मीडियम 11th क्लास का कॉन्सेप्ट, और वो है आज का कॉन्सेप्ट सीमा, सीमा लिमिट। चलिए तो लिमिट पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। सबसे पहले तो हम ये बताने जा रहे हैं कि सबसे ज्यादा लिमिट का जो फॉर्मूला ये है, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बटा में थीटा बराबर वन। अभी सब बता रहे हैं क्या मतलब है लिमिट का, जब पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से बताएंगे ना बाबू, है ना। लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा बराबर वन, या इसको हम लिखते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बराबर थीटा, है ना। तो दोनों फॉर्मूला एक ही है, दोनों को हम लोग बहुत ज्यादा यूज में लाते हैं फिजिक्स में, है ना। बहुत ज्यादा मत कहो कितना, तो ये तो तुमको आज सेट ही कर लेना है माइंड में, है ना, कि लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बटा में थीटा बराबर वन होता है, प्रूफ भी करके आपको बताएंगे, है ना। लेकिन आज सुनिए ध्यान से पहले एक मिनट बाद मेरा कि हम कहने क्या जा रहे हैं। लिमिट हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका उपयोग अवकलन में है। अब तो टॉपिक और अवकलन और समाकलन, तो लिमिट इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसका यूज अवकलन में है। सुनना ध्यान से बच्चों, और अवकलन इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि पूरे अवकलन और समाकलन पर ही फिजिक्स का बहुत सारा पार्ट निर्भर करता है, है ना। जिस तरह से हमारे शरीर में, हम आपको बोले हैं, है ना, कि मैथमेटिक्स इज द बॉन्ड मैरो ऑफ फिजिक्स, है ना। मैथमेटिक्स जो है, गणित जो है, वो फिजिक्स का जो है वो रीढ़ का हड्डी है। अगर ये टूट जाता है, आदमी अपंग हो जाता है, ठीक उसी तरह से अगर मैथमेटिक्स आपको नहीं आता है तो फिजिक्स आपको 100% क्लियर नहीं होगा। ये हम बात पहले भी बोले, है ना। तो लिमिट क्या है पहले इसको समझिए ध्यान से। ये टेंस टू क्या है इसको भी समझाते हैं, है ना। आज पूरा क्लियर करते हैं लिमिट का कॉन्सेप्ट, ओके। तो सीमा नहीं करता है, किसी से लड़ते हो तो देखो तुम लिमिट पार कर रहे हो। अगर 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 मान लो कि एक आदमी एक छोटे से बच्चे को दो तीन तवड़ा ले लिया, है ना, दो तीन तवड़ा दे दिया, दो तीन तमाचा लगा दिया, तो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है, और लास्ट में बोलता है गुस्सा करके कि अगला तवड़ा का अगर आप मार दीजिएगा तो हम लिमिट पार कर जाएंगे, है ना। लिमिट पार करने का मतलब क्या, कि वो लड़का एक पत्थर उठाता है, दे मारता है, उसके सिर पर लगता है, बेचारा उसी समय उसका स्पॉट डेथ हो जाता है, लिमिट पार कर गया था वो, है ना। बेचारा बर्दाश्त करने भर ना, छोटा बच्चा को कितना मारोगे यार, है ना। यानी कहने का मतलब एक एग्जांपल हम समझा रहे हैं कि ऐसा हुआ तो सोचो जरा साहब, तो लिमिट पार कर गया। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर 10 आदमी मिलकर के किसी काम को 100 दिन में करते हैं तो 1,00,000 आदमी उसी काम को, है ना, बड़ा आसानी से एकदम बना लोगे कि सर ये तो आराम से हम बना लेंगे। 10 आदमी किसी काम को 100 दिन में, तो 1,00,000 आदमी और जल्दी कर देगा। अरे मेरे भाई, 1,00,000 लोगों का भीड़ इतना ज्यादा हो जाएगा वहां पर, है ना, किसी काम को एक ही जगह पे करना हो, छोटा सा जगह है, स्पेस है ना, और वहीं पे ये काम चल रहा है। मुश्किल से मान लो कि 200 आदमी के रहने पर वहां पे स्पेस है, और 1,00,000 आदमी अगर वहां पे आ जाएगा तो इतना ज्यादा भीड़ हो जाएगा, इतना ज्यादा भीड़ हो जाएगा कि वो काम ही नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या कि एक निश्चित सीमा होना चाहिए, सोचो जरा सा, किसी काम को करने का एक निश्चित सीमा होना चाहिए। तो बताइए बच्चों कि 1,00,000 आदमी का भीड़ इतना ज्यादा हो जाएगा कि काम संभव ही नहीं। यही बात आता है कि लिमिट का, कि एक निश्चित सीमा यानी बाउंड्री होना चाहिए। हम लोग का भी इंडिया का बॉर्डर है ना, हर देश का अपना अपना बॉर्डर है, उस सीमा को पार करोगे अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो यही से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि सीमा का यूज अवकलन में है ना, जो अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे। और ये फॉर्मूला तो बहुत ही मार्वेलस है बाबू, इसको दिमाग में सेट कर ही लो। ये टेंस टू का मतलब थोड़ा सा आपको समझा देते हैं पहले। टेंस टू का मतलब होता है कि अग्रसर उसके ओर, मतलब थीटा टेंस टू जीरो मतलब क्या कि थीटा अग्रसर किधर है, जीरो की ओर, जीरो तक पहुंचा नहीं है, जीरो
की ओर है, मतलब कि जस्ट टच करने ही वाला है लेकिन टच नहीं किया है। बड़ा अजीब बात है, यानी कि कहने का मतलब ये कि थीटा जीरो को टच करने ही वाला है, जीरो तक पहुंचने ही वाला है लेकिन जीरो से थोड़ा छोटा है। आते हैं तुरंत, आते हैं इस चीज को समझाने टेंस टू को, तुरंत अभी 100% क्लियर करते हैं तुरंत। ओके हाँ, बस पूरा लेक्चर देखिए अच्छे से, कॉपी पेन निकाल के बैठिए और अच्छे से जो हम बात बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनते जाइए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं, ये अभी मत लिखो, छोड़ दो, लिखेंगे आगे। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, और एक बात हम अभी समझाएंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, पहले लिखते हैं तो समझाते हैं। फलन एफ एक्स आपको याद है, फलन बताए हैं थोड़ा सा, है ना, क्योंकि जितना फिजिक्स में यूज है उतना हम जान गए हैं कि फलन एफ एक्स, हाँ वाई बराबर एफ एक्स मतलब वाई फलन है एक्स का, समझा चुके हैं। तो फलन एफ एक्स जब या फलन एफ एक्स अग्रसर सीमा एल की ओर, फलन एफ एक्स अग्रसर सीमा एल की ओर होगा यदि चर राशि एक्स अग्रसर ए की ओर या अचर राशि स्पीड स्लो लगे, स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, मोबाइल में ऑप्शन रहता है बच्चों, एक्स अग्रसर अचर राशि ए की ओर होगा और सीमा के साथ अपरिभाषित रूप होते हैं। सब कुछ समझा रहे हैं, बस ध्यान से देखते जाइए, बहुत मजा आने वाला है। फलन एफ एक्स अग्रसर सीमा एल की ओर होगा यदि चर राशि एक्स अग्रसर अचर राशि ए की ओर होगा। वाह वाह, यानी कहने का मतलब अभी बता रहे हैं लिखने का तरीका क्या है, लिमिट देखो कैसे लिखा जाता है, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स जो होगा वो l की ओर अग्रसर होगा, l के पूरा बराबर नहीं है, लगभग बराबर है, समझा रहे हैं, तुरंत समझा रहे हैं। ओके तो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बराबर l, यानी कि x l a को जस्ट छूने ही वाला है लेकिन a तक नहीं पहुंचा है, यानी बहुत ही कम डिफरेंस है बाबू, एकदम नेग्लिजिबल नगण्य अंतर है। जैसे मान लिया जाए कि 4 है और 3.999 है, तो 4 और 3.999 अंतर बहुत कम है ना, तो इस तरह से यानी कि एफ एक्स जो है वो लगभग एल है, यानी एल के बराबर है, उसी को हम कह देते हैं कि एल के बराबर है, और एक्स टेंस टू ए मतलब एक्स लगभग ए के बराबर है, ए को छुआ नहीं है, छूने ही वाला है, ये तक पहुंचा नहीं है, पहुंचने ही वाला है। हाँ, अब उसमें बताएंगे कि चाहे आगे से या पीछे से, मतलब क्या कि आगे से छुए या पीछे से छुए, मतलब क्या LHL हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे लिखते थे, RHS और LHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, उसी तरह से ध्यान दीजिएगा, बस देखते जाइए हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत डिटेल में समझाने जा रहे हैं कि फलन एफ एक्स अग्रसर सीमा एल की ओर होगा यदि चर राशि एक्स अग्रसर अचर राशि ए की ओर होगा। ये अचर है, परिवर्तित नहीं होने वाला, ये परिवर्तित होने वाला एक्स का मान 2, 3, 4, 5, 6 जो भी, लेकिन अगर ए का ए मान ले लिए हम 2 ले लिए तो ये हमेशा फिक्स हो गया, ये 2 यानी हमेशा नियत हो गया। तो पहले सूचित करने का ये तरीका है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर एल, क्लियर हुआ। हाँ, तो अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा, हम जान रहे हैं, सब समझा रहे हैं अच्छे से, पहले बेसिक जो हम लिखे हैं ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई फलन, वाह ध्यान दो बच्चों, यहां पर मान लो कि मान है, मान लिया जाए कि L है, हाँ जो फलन का मान है L, एग्जांपल लेते हैं अभी तुरंत, बस देखते रहिए 10 मिनट के अंदर पूरा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, बस देखते रहिए, एल है और एक्स बराबर ए है, तो ये चाहे तो LHS साइड से आ सकता है या RHS साइड से आ सकता है, यानी उसकी ओर अग्रसर एक पुल है,
कुल कब कुल का अस्तित्व होगा। कंटिन्यूटी में भी आगे पढ़ना है बाबू मैथ में, लेकिन फिजिक्स में, फिजिक्स के लिए हमको लिमिट जरूरी है ना। तो बताइए कि x बराबर a अगर हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो यहां पहुंचने वाले हैं, यानी x का मान a जो है उससे कुछ छोटा रहा होगा, है ना। और आगे से अगर हम छुएंगे तो आगे से छूने का मतलब कि इसका मान a से कुछ बड़ा रहा होगा। सही बात है, लेकिन बहुत बड़ा, थोड़ा बड़ा, बहुत ही कम डिफरेंस रहेगा। मतलब क्या, ये अगर एक पुल है, बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी में काम देगा ये चीज बाबू, एक पुल है तो पुल का भी अस्तित्व रहना चाहिए और रोड का भी अस्तित्व रहना चाहिए, तब ना पूरे जाने के लिए हमको तीनों का अस्तित्व अगर रहेगा तब ना हम लोग बात करेंगे कि सच में ये रोड सही है। पुल टूटा हुआ है, खत्म, अस्तित्व समाप्त है रोड का भी, है ना। जब तक पुल नहीं बनेगा क्या जो कोई जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। यानी कहने का मतलब कि लेफ्ट साइड से, बाई ओर से, दाई ओर से और उस बिंदु पर तीनों का मान जो है वो आपस में बराबर होना चाहिए। कैसे, यानी कि बाई ओर से आ रहे हैं तो जस्ट यहां पहुंचने वाले हैं, दाई ओर से आ रहे हैं तो जस्ट यहां पहुंचने वाले हैं, और पुल कह रहे हैं कि हम तो यहां है ही, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फलन का मान, यानी बाई ओर की सीमा, दाई ओर की सीमा और उस बिंदु पर फलन का मान आपस में बराबर होना चाहिए, है ना। पहले सुनना, अभी हम दिखाएंगे कि एक बराबर दो लोग प्रूफ कर देता है, लेकिन इसमें गलती है, गलती है। वही सब क्या है, बहुत ही बेसिक चीज समझाने जा रहे हैं आज हम लिमिट में, बस ध्यान से सुनते रहिए। अगर शॉर्ट में पढ़ाना रहता तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, थोड़ा डिटेल में समझे, है ना। तो आइए, अगर यहां पर फलन का बात करें तो फलन जो है वो एल को जस्ट छूने ही वाला है, फलन जो है वो एल को छूने ही वाला है। कब, जब एक्स ए को छूने वाला है, है ना। यानी पीछे से अगर छूने वाला है तो एक्स टेंस टू ए माइनस लिखते हैं, और अगर आगे से छूने वाला है तो एक्स टेंस टू ए प्लस लिखते हैं। ए माइनस मतलब क्या, कि ए से थोड़ा छोटा, बहुत ही कम अंतर, नगण्य। तो ही बताओ बाबू कि यहाँ पे जो यहाँ x बराबर a है उससे थोड़ा छोटा लेफ्ट साइड है, थोड़ा छोटा, टच नहीं कर रहा है, करने ही वाला है लेकिन कर नहीं रहा है, वारे वाह। यहाँ आगे से टच करने ही वाला है लेकिन कर नहीं रहा है, वारे वाह। यानी कहने का मतलब कि आगे से टच करने वाला है लेकिन टच नहीं किया, यानी कि a से थोड़ा बड़ा है, उसको a प्लस लिखते हैं, है ना। और अगर पीछे से टच करने वाला है लेकिन टच नहीं किया है तो ए माइनस का मतलब होता है ए से थोड़ा छोटा, बहुत ही कम अंतर, नगण्य, है ना, बहुत ही कम, बहुत कम, एकदम स्लाइटली। बोले अभी हम 3.999 एग्जांपल लिए थे और 4, तो 3.999 और 4 में बहुत ही ज्यादा अंतर है कि बहुत कम अंतर है, बहुत कम, है ना। पहले समझते जाओ, जो जो बात बोल रहे हैं वो समझते जाओ। यानी कि बाई ओर की सीमा, दाई ओर की सीमा और उस बिंदु पर फलन का मान आपस में बराबर होना चाहिए। वाह क्या बात है, अभी देखो ना, देखो, देखते रहो। तो पहले इसको लिखिए और क्लियर कर रहे हैं, अभी तो क्लियर कर ही रहे हैं कि एफ एक्स एक्स टेंस टू ए बराबर एल, यानी कि अगर एक्स ए के जस्ट बराबर है तो एफ एक्स बी एल के जस्ट बराबर है, यानी पूरा कंप्लीट बराबर नहीं, लगभग बराबर, यानी नेग्लिजिबल, यानी इसके इसके में अंतर बहुत कम रहेगा, बहुत नगण्य रहेगा इस पर। क्लियर, क्लियर, अरे बोलो। तो एफ एक्स अग्रसर सीमा एल की ओर होगा यदि चर राशि एक्स अग्रसर अचर राशि ए की ओर होगा। अभी और समझा रहे हैं, अभी क्लियर नहीं होगा पूरा, आप जान रहे तुमको, हाँ चलो जल्दी जल्दी मैं लिख लो। और बाई ओर की सीमा को कैसे लिखते हैं, दाई ओर की सीमा को कैसे लिखते हैं और उस बिंदु पर फलन का मान को कैसे लिखते हैं, ये देखो, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, बाई ओर की सीमा को ऐसे लिखते हैं बाबू, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स। ओके, अगर ये लगभग एफ एक्स के बराबर, यानी एफ एक्स मतलब ए, यानी एफ एक्स के बराबर है, एफ एक्स जो है एक्स के जगह पे क्या है, ए है, और एफ ए जो है वो एल है, यानी ए बिंदु पर, याद है वाई बराबर एफ एक्स लिखते थे, y फलन है x का,
पहले आपको बाउंड्री तैयार करें, ध्यान से सुनते रहना है, हकबकाना नहीं है, थोड़ा देर के बाद सब कुछ छलक जाएगा, है ना। वाई बराबर एफ एक्स, ओके। तो y जो है फलन है x का, अगर x का मान हम रखेंगे a तो fa का मान ही नल है, क्या बात है। अगर x का मान a है तो इस fa का मान यानी फलन का मान क्या है, तो l है, यानी fa बराबर क्या आ गया, l आ गया, बहुत अच्छा। r h l लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, और ये भी RHS यानी आगे से अग्रसर है, तो एफ ए बराबर एल, वाह वाह, यानी कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल आर एच एल राइट हैंड लिमिट, बोलो बाई ओर की सीमा, दाई ओर की सीमा और फलन का मान तीनों आपस में बराबर होगा तो फलन के अस्तित्व का हम लोग बात करेंगे, है ना। और सीमा का अस्तित्व का बात हम लोग जब कर रहे हैं, ध्यान देना, फलन का अस्तित्व तब होगा जब बाई ओर की सीमा, दाई ओर की सीमा और उस बिंदु पर फलन का मान तीनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। वाह क्या बात है, सोचो सोचो, ध्यान देना, बाई ओर से अग्रसर हम लोग हैं, तो जब बाई ओर से अग्रसर हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ही है बाबू, और यही समझ में नहीं आएगा तो हो जाएगा सर, इसलिए पहले इसको समझो। बाई ओर की सीमा यानी कि x टेंस टू a माइनस, मतलब a पे नहीं है, जस्ट a को टच करने ही वाला है पीछे से, और x टेंस टू a प्लस मतलब दाई ओर से टच करने ही वाला है, ओके। और उस बिंदु पर फलन का मान जो है वो l है, यानी कि जस्ट जो टच करने ही वाला है वो एकदम लगभग यहीं पे आ रहा है, लग रहा है कि वहीं पे मान है, इसके तुरंत बाद एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे पूरा पानी पानी हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो बताओ बच्चों, लिमिट x टेंस टू a माइनस, बस थोड़ा सा इसको ध्यान दो और तुरंत अभी क्लियर करने जा रहे हैं, ओके। तो बताइए बाई ओर से अगर टेंस कर रहा है, इसको छूने वाला है, तो x टेंस टू a माइनस मतलब बाई ओर से जस्ट छूने ही वाला है लेकिन छुआ नहीं है, दाई ओर से जस्ट टच करने ही वाला है लेकिन टच नहीं किया है, और यहां पे ये समझ लो कि फलन का मान यानी पुल है, तो ये पुल है, ये पुल का बाया साइड है, ये पुल का दाया साइड है। आप देखते होंगे जो पुल रहता है ना, वो स्प्रिंग पे सॉकर जैसा जो स्प्रिंग रहता है उस पे फिक्स रहता है किया हुआ, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहता है, नहीं तो टूट जाएगा पुल, सब कुछ फिजिक्स में आगे बताएंगे, है ना। तो वहां पर आप देख रहे होंगे वहां थोड़ा सा गैप रहता है और लास्ट में भी थोड़ा सा गैप रहता है, यानी लगभग बराबर, उस गैप का मतलब दूरी है, ज्यादा दूरी है नहीं, उसे समझो ध्यान से, ये जो पुल है उसके यहाँ पे सॉकर से, यहाँ पे सॉकर से कनेक्टेड नीचे से रहता है, यानी स्प्रिंग रहता है बहुत ही ज्यादा, है ना, बहुत ही अच्छा स्प्रिंग रहता है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत ही ज्यादा होता है, और यहाँ पे आ गया रोड का दायां वाला भाग, यहाँ पे रोड का बायां वाला भाग, यानी कहने का मतलब कि LHL RHL और फलन का मान तीनों अगर है तो फलन का अस्तित्व है, यानी तीनों आपको लग रहा है कि अलग अलग है, एकदम कॉन्टेक्ट में है, ये इसके कॉन्टेक्ट में, ये इसके कॉन्टेक्ट में, बोला, यानी कहने का मतलब ये कि बाई ओर से ये छूने वाला है इसको और दाई ओर से ये छूने वाला है इसको, यानी लगभग छूने ही वाला है, तो बाई ओर की सीमा फलन के बराबर, दाई ओर की सीमा फलन के बराबर, यानी तीनों बराबर तो फलन का अस्तित्व है, यानी सीमा का अस्तित्व का बात हम लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। तो देखिए बच्चों, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स और बराबर l, तीनों आपस में बराबर होगा तो अस्तित्व का बात होगा, नहीं तो नहीं होगा। तीनों बराबर होगा, बाई ओर की सीमा, दाई ओर की सीमा और फलन का मान तीनों बराबर होगा तो अस्तित्व का बात करेंगे, नहीं तो नहीं। वाह क्या बात, तो बताइए बच्चों कि यहां बाई ओर की सीमा a माइनस मतलब a पे पहुंचने ही वाला है लेकिन पहुंचा नहीं है, a प्लस मतलब a पे पहुंचने ही वाला है लेकिन पहुंचा नहीं है, लेकिन वो दायां साइड से और ये बायां साइड से, और ये फलन का मान है जिसको हम एफ ए भी कहते हैं, एफ ए, समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल लेंगे बस, पूरा ये खत्म, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, देखो ना अभी तुरंत, जल्दी 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 हो गया। तो सीमा के साथ अपरिभाषित रूप पहले लिखते हैं,
तो पूरा आपको क्लियर होने जा रहा है। बस ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। लिमिट का कॉन्सेप्ट इससे अच्छा नहीं सिखाया जा सकता है, ध्यान देना। तो देखो बच्चों, सीमा के साथ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, है ना, जिसके बारे में आज तक कोई मैथमेटिक्स में मतलब नहीं निकल पाया है, अभी बताते हैं। सीमा के साथ इनडिटर्मिनेट रूप में है 0/0, अनंत बाय अनंत, 0 × अनंत, अनंत माइनस अनंत, अनंत का पावर 0, 0 का पावर 0 और 1 का पावर अनंत। ये 1 मत समझो कि कंप्लीट 1 है, कंप्लीट नहीं है। अगर कंप्लीट 1 रहता तो 1 × 1 अनंत बार गुना कर दे तो 1 आ जाता, लेकिन ये 10 का बात करेंगे हम। ये जो 1 है ना, वो कंप्लीट 1 नहीं है, ये 10^1 है। वाह वाह, यानी अगर हम इसको x मान लेंगे तो x 10^1 है, x का पावर अनंत। देखो बच्चों, बात में दम है। ये कंप्लीट 1 नहीं है, ये 1 जो है वो 10^2 है, यानी x मान लिए x 10^1 और x का पावर अनंत। क्या बात है, तो सोचो बच्चों क्यों ऐसा, समझिएगा। 0/0 क्यों ऐसा, अभी क्लियर करने जा रहे हैं एक एग्जांपल से। जैसे x² - x² लिए और x² - x² लिए, ओके, तो बताइए इसमें हम x को कॉमन ले लेते हैं तो x - x आएगा। देखना देखना कहां गलत होता है, देखना ध्यान देना। x कॉमन लिए तो x - x और यहां पर a² - b² a + b × a - b, बोलो। अब बड़ा आराम से इसको काट दिए तो आ गया x = 2x, x से x कट गया एक बार में तो 1 = 2। गलत है, ऐसा क्यों नहीं होगा। आपको पता है कि ये 1 2 के बराबर नहीं होता है। अगर 1 2 के बराबर सिद्ध हो जाए तो समझ लो कितना बड़ा बात है। फिर 1 लाख 2 लाख के बराबर हो जाएगा, 1 करोड़ 2 करोड़ के बराबर हो जाएगा, बहुत ही बेकार हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। यानी कि हमने क्या गलत किया, सो देखो, x - x से x - x को काट दिया, यही गलत किया। क्यों? क्योंकि सोचो कि x * x है और 2x × x - x है। देखो x × x - x है, x 2x हो गया, x + x 2x × x - x है। अब बताओ ये से ये काट दिए, नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि ये 0 है। देखो x × 0 = 2x × 0, अब सही है, x × 0 = 2x × 0 = 0, एकदम सही है। और हम क्या किए कि 0 को 0 से काट दिए और 1 लिख दिए। देखो क्या किए गलत, सो देखो x/2x = 0/0, 1 यानी 1/2 = 0/0, गड़बड़ है, गलत है। यानी हमने क्या किया कि 0/0 को काट करके 1 लिख दिया, तब ना आया 1/2। वाह क्या बात है। अब सोच के देखो बच्चों कि 1/2 = कट के 0 से 0 1 आ गया, ये गलत है, क्योंकि 0/0 इनडिटर्मिनेट रूप है और ऐसे 7 इनडिटर्मिनेट रूप हैं, सब एक ही हैं, एक ही तरह के और एक ही का अलग अलग रूप है। ओके, देखो अभी दिखा रहे हैं, डिटेल में पढ़ो, जो चीज पढ़ो उसको बहुत डिटेल में पढ़ो। तो बोलो बच्चों 1/2 कहना हमारा गलत है, क्योंकि हमने 0 से 0 को काट दिया है और 0 से 0 को काट के 1 लिख दिया है। वाह रे वाह, यानी कहने का मतलब कि 0/0 कोई मतलब नहीं है इसका। यानी कहने का मतलब कि मैथ्स में 7 अभी ऐसे रूप हैं इनडिटर्मिनेट रूप जिनका कोई मतलब नहीं बनता है और इन्हें संख्या रेखा पर भी नहीं दर्शा सकते हैं। ओके, तो आइए ये लिख सकते हैं, है ना। अभी दिखला रहे हैं सब एक ही है, क्या है एक ही, कैसे से बता रहे हैं, जल्दी जल्दी। और अनंत मतलब 1/0 समझाए हैं आपको, जल्दी
यानी जीरो से जीरो काट करके हम लिख दिए हैं, ये गलत है, यहाँ पे ऐसे लिख लेना गलत। ओके हाँ, तो देखिए बच्चों अच्छे से सीखिए ध्यान से। देखिए सब एक ही रूप है, अनंत को लिखते हैं, देखो याद है टेन नब्बे का मान तुम लोग अनंत याद कर लेता था, है ना, तो साइन नब्बे बटा कॉस नब्बे, अरे साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, तो टेन नब्बे साइन नब्बे बटा कॉस नब्बे, साइन नब्बे वन टेन नब्बे जीरो, इसी को अनंत कहता था, यानी अनंत मतलब वन बाई जीरो और फिर अनंत मतलब वन बाई जीरो, जीरो बाई जीरो, यानी सब वही रूप है। लेकिन इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि एलएचएल और आरएचएल बराबर नहीं आ रहा है, फलन का मान भी बराबर नहीं आ रहा है, यहां तक तो एक जैसा बात है ना। देखो अनंत वन बाई जीरो, अनंत वन बाई जीरो यानी कि वन बाई जीरो, जीरो बाई वन यानी कि जीरो बाई जीरो, वही रूप है, उसी को अलग अलग स्टाइल में लिखे हैं। लेकिन ये क्यों परिभाषित नहीं, ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों इनडिटरमिनेट रूप है, उसको भी जान लो, यहां तक तो सेम, उसको भी जान लो, है ना। तो देखो बच्चों वन जो है वो कंप्लीट वन नहीं है, टेंस टू वन है, टेंस टू वन है, मतलब क्या कि वन अगर कंप्लीट रहता ये तो वन गुने वन गुने वन यानी फलन अगर x का मान अगर यहाँ पे ये वन रहता तो वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन कितना बार भी गुना कर दे तो वन होता। लेकिन ये टेंस टू वन है, टेंस टू वन मतलब हो सकता है कि x टेंस टू वन माइनस हो, वन माइनस मतलब वन से छोटा, तो लिमिट एफ एक्स यानी कि x के जगह पे वन माइनस मतलब वन से छोटा, तो बताइए वन से छोटा मतलब 0.5 ले लेते हैं का पावर अनंत, अब बताओ एक से छोटा का संख्या का गुना करते जाओ 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5, ध्यान दो इस बात में दम है बच्चों कि 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5 गुना करते जाओ छोटा आ जाएगा। देखो ना एक गुना करके बता देते हैं 0.5 गुना 0.5 0.25, 0.5 इंटू 0.5 0.25 कर लो, गुना करके देख लो, तो बताओ इससे छोटा आया, जितना बार गुना करोगे उतना ही छोटा आता जाएगा और अंततः अनंत बार गुना करना है तो अंत ये जीरो आ गया। ये आ गया बात किसका, एलएचएल का, समझिएगा दम है बात में, दम है। तो बताइए लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस, क्योंकि ये कंप्लीट वन रहता तब तो वन गुने वन गुने वन वन हो जाता। अरे बोलो यार, बोलो यार, समझ में आ रहा होगा, अब वन गुना वन गुना वन गुना वन, अभी एग्जाम्पल लेंगे तो और 100% क्लियर होगा ना, यही तो बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ो खूब पढ़ो। तो वन का पावर अनंत मतलब क्या कि अगर वन कंप्लीट रहता वन तब तो वन आ जाता, वन गुना वन गुना वन वन, लेकिन एक से छोटा, वन माइनस मतलब एक से छोटा, एक से छोटा हम 0.5 ले लिए, अरे 0.9 भी लोगे ना, 9 9 9 तो भी गुना करोगे तो लास्ट में जीरो आएगा, क्योंकि छोटा एक से छोटा संख्या का पावर अगर आप अनंत करेंगे तो उसका मान जीरो आएगा, देखिए ना करके। हाँ, और लिमिट आरएचएल, राइट हैंड लिमिट ध्यान देना, इसका हिंदी लिख लेना आरएचएल, एलएचएल और आरएचएल, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब बाई ओर की सीमा और ये दाई ओर की सीमा, तो लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स, एक से बड़ा मान रखो, ऐसे एक से बड़ा तो हम लोग रखेंगे 1.00001, स्लाइटली ग्रेटर है, थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है तो 0.99999 लिखना चाहिए था, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि हम एक से छोटा अगर ले रहे हैं उसका पावर अनंत है तो कोई भी संख्या रहे जीरो आए, कौन एक से छोटा, और यहाँ एक से बड़ा कोई भी संख्या रहे उसका पावर अनंत करो अनंत आएगा, गुना करके देख लो, धीरे धीरे गुना करते जाओ, 1.5 गुना 1.5 गुना 1.5 गुना 1.5 गुना करते जाओ, धीरे धीरे मान उसका बढ़ करके कितना हो जाएगा अनंत, इस बात पे गौर करो। अब बताओ एलएचएल और आरएचएल बराबर है, नहीं है, नहीं है, और फलन का मान वन आ रहा था, वन डायरेक्ट रहता तो वन गुना वन गुना वन गुना वन वन, अरे बोलो इससे क्या पता चला कि अगर एलएचएल में चलेंगे तो जीरो, आरएचएल में चलेंगे तो अनंत, अरे एक से छोटा है, एक से छोटा का पावर अनंत मतलब जीरो, क्लियर हो गया, गुना करके देखना जितना छोटा, एक से छोटा रहेगा तो जितना गुना करोगे धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, एक से बड़ा रहेगा जितना गुना करोगे धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, और अनंत बहुत बार गुना करेंगे तो अनंत बन जाएगा, बहुत बार इसको गुना करेंगे तो जीरो आ जाएगा, समझ में आ गया होगा, आ गया होगा। तो बताइए
ये भी इंडिटरमिनेट रूप है। ये मत सोचना कि वन का पावर है तो मतलब वन गुना वन गुना वन बराबर वन न सर, नहीं। चलो जल्दी जल्दी लिख लो और साथ इंडिटरमिनेट रूप याद रखना जल्दी। देखो बच्चों, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एग्जाम्पल से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको तोड़ के रख देते हैं, है ना। तो पहले क्वेश्चन बनाने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे वो भी समझा रहे हैं। देखिएगा, मान लो लिमिट x टेंस टू 2 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। ध्यान देना ध्यान देना, हम थोड़ा सा एलएचएल की ओर चल रहे हैं। तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस मतलब कि 2 से थोड़ा छोटा थोड़ा छोटा। अब बताइए आप हमको एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 थोड़ा छोटा, ध्यान देना, मतलब 1.99 ले लो का स्क्वायर माइनस 4 और 1.99 माइनस 2 और सोल्व करके देखना इसका मान लगभग 4 आएगा। पहले पहले कॉन्सेप्ट तब बनाएंगे डायरेक्ट, है ना। और आरएचएल में चलते हैं और भी मान ले सकते हैं, और ही मान ले सकते 1.98 भी ले सकते हैं। एलएचएल मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा थोड़ा छोटा। और अब बताइए आरएचएल में लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, आप समझ रहे हो आरएचएल एलएचएल एलएचएल आरएचएल एस लिखा जा रहा है, बार बार आदत हो गया आपको, याद होगा एलएचएस और आरएचएस आप लिखा करते थे। तो अब बताइए यहां पर फलन अगर ले ले एक्स स्क्वायर माइनस 4 और x माइनस 2 तो यहां पर प्लस है यानी एक 2 से थोड़ा ज्यादा मान होगा, चलो इतना मान लेते हैं। और 2.01 माइनस 2 इसको भी सोल्व कीजिएगा तो लगभग 4 आएगा। देखना करके ना, देखना ना करके, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती। ये मत समझना कि डायरेक्ट हम लोग अब लिमिट बनाएंगे ना बाबू तो जैसे ही 0/0 रूप देखेंगे, ध्यान देना क्वेश्चन बनाने के लिए अगर 0/0 रूप नहीं है तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो आंसर आ गया, लेकिन 0/0 रूप है तो पहले 0/0 रूप हम लोग हटाते हैं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं बाबू, फिर तो देखो ना मजा आएगा। पूरा वीडियो देख लो, पूरा लेक्चर, लिमिट का कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर, क्योंकि मैथ्स में बहुत ज्यादा पढ़ना है बाबू लेकिन फिजिक्स में जितना जरूरी है उतना पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए अगर हम 2 से थोड़ा छोटा मान रखे हैं तो भी सोल्व करने पे आया 4, 2 से थोड़ा बड़ा मान रखे हैं तो भी सोल्व करने पे आया 4। अब देखो बनाने का क्या तरीका होता है कि देखो तो 2 रखो तो डायरेक्ट रखो तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 बटा में 2 माइनस 2 0, अरे अरे यानी ये 0/0 रूप है। और देखो ना 0/0 रूप कितना घातक है, देख रहे हो देख रहे हो अभी, जस्ट आपको एल हॉस्पिटल रूल भी थोड़ा सा समझाएंगे जब अवकलन पढ़ेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल से जिसको एल हॉस्पिटल रूल लोग कह देता है, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज हॉस्पिटल, तो एल हॉस्पिटल रूल हम लोग जब पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें हम लोग ये देखेंगे बाबू कि अवकलन से भी आता है, अवकलन करके हम लोग डायरेक्ट सीमा का मान निकाल देते हैं, लिमिट का मान निकाल देते हैं, ठीक है ना। लिमिट एल आई एम शॉर्ट में लिखते हैं, एल आई एम। तो बताइए इसका मतलब ये हुआ कि पहले 0/0 रूप को हटाया जाता है, देख रहे हो ना यहां से ये x टेंस टू 2 माइनस मतलब क्या कि 2 से थोड़ा छोटा, x टेंस टू 2 प्लस मतलब क्या 2 से थोड़ा बड़ा, और जब सोल्व किए तो 4 आया। इसका मतलब कि अब हमको कोई टेंशन नहीं है, देखो सोल्व करने में 0/0 रूप रहे तो सबसे पहले उसको हटा लिया करो, यानी कि सीमा का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 0/0 रूप को हटा दिया जाता है तब सीमा का मान ज्ञात किया जाता है। अब जरा सा देखो तो बाबू यहां से देखो तो लिमिट x टेंस टू 2 है और x स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर,
बाई एक्स माइनस टू। अरे बोलो, सीमा का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जीरो बाई जीरो रूप को हटा दिया जाता है। अगर जिसमें जीरो बाई जीरो रूप है उसमें जीरो बाई जीरो रूप सबसे पहले हटाएंगे, अगर नहीं है तो डायरेक्ट लिमिट का मान निकाल लेंगे। यानी जीरो बाई जीरो रूप जिसमें है, बात पे गौर करना, उसमें पहले जीरो बाई जीरो रूप हटाएंगे तब हम लोग सीमा का मान ज्ञात करेंगे, और जिसमें जीरो बाई जीरो रूप नहीं होगा वो डायरेक्ट मान रख देंगे आंसर। अरे वाह, ध्यान दो तो बताओ बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस फोर को लिख सकते हैं टू स्क्वायर। तो लिमिट एक्स टेंस टू टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा में, वाह, एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाई एक्स माइनस टू। अब ये समझो, ये टेंस टू टू है, कंप्लीट टू नहीं है, लगभग टू है, 1.99 के जैसा, 2.021 के जैसा ऐसे है। अब बताओ इसको आराम से काट सकते हैं। ये मत सोचना कि सर x माइनस टू और x माइनस टू, सर टू रखेंगे तो जीरो बाई जीरो कट रहा है, नहीं, इस तरह का मान कट रहा है। ध्यान दो कि 1.99 माइनस टू या 2.01 माइनस टू, ऐसे, और तब कट जाता है ऐसे। अब आराम से, क्योंकि 2 मतलब लगभग 2, एकदम अप्रॉक्स 2, इसीलिए हम लोग 2 ही रख देते हैं डायरेक्ट लास्ट में। समझ रहे हो ना, मतलब ये मतलब है। तो 2 प्लस 2 यानी 4, तब तक जब तक मान नहीं रखेंगे तब तक हम सीमा को लेके चलते रहेंगे। बोलो क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। देखो बाबू, यहीं तक पहुंचने के लिए उतना सारा हम बैकग्राउंड तैयार कर रहे थे। एलएचएल बताएं, आरएचएल बताएं, सुनना ध्यान से, सुनना बाबू ध्यान से, है ना, पूरा का पूरा तोड़ दे रहे हैं। ध्यान दो कि एक्स टेंस टू टू है तो टू एलएचएल से भी हो सकता है और आरएचएल से भी हो सकता है। तो अगर हम एलएचएल से चलेंगे तो लगभग 4 आया, और आरएचएल से भी चले तो लगभग 4 आया। कहानी तो ट्विस्ट बना कहानी का, क्योंकि आंसर 4 ही आया। अरे वाह, यानी कहने का मतलब कि जब हम लोग काटते हैं तो कंप्लीट टू नहीं रहता है, लगभग टू रहता है, क्योंकि एक्स टेंस टू टू कंप्लीट टू है कि लगभग टू है, लगभग टू है तो क्या काटने में दिक्कत, क्योंकि अगर कंप्लीट टू रहता, पूरा का पूरा टू रहता, तो 2 माइनस 2 0 2 माइनस 2 0, यानी इनडिटर्मिनेट रूप जैसा दिखाई दे तो पहले उस रूप जैसा को हटा देते हैं। ओके अब देखो, अब आराम से टू रख सकते हैं क्योंकि अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म, इनडिटर्मिनेट रूप खत्म, तो 2 प्लस 2 बराबर कितना। क्लियर होगा कि नहीं होगा, हुआ ना, हुआ ना, हाँ, तो जल्दी लिखिए जल्दी। और अगर अभी हम क्वेश्चन करेंगे लास्ट में एक और फॉर्मूला साइन इसे बोला प्रूफ करके, लेकिन एक क्वेश्चन जो लिमिट पुट करते हैं डायरेक्ट, वो भी थोड़ा सा समझा देते हैं। देखो बच्चों, ध्यान से देखते रहो बच्चों, क्वेश्चन तो तुरंत आप बना लेंगे, हमको फिजिक्स में जितना यूज है उतना लिमिट आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसे मैथमेटिक्स में लिमिट बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखा जाए, लिमिट x टेंस टू 1 है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, अब बताओ क्या है ये, है जीरो बाय जीरो रूप है, नहीं, इनडिटर्मिनेट रूप है, नहीं है। यानी कि अगर x टेंस टू 1 है तो डायरेक्ट अब 1 का मान यहां रख दो, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 1 1 3 आंसर। यानी अगर इनडिटर्मिनेट रूप ना रहे, ध्यान देना, अगर इनडिटर्मिनेट रूप ना रहे तो डायरेक्ट हम सीमा का मान रख देते हैं, अगर इनडिटर्मिनेट रूप ना रहे तो डायरेक्ट सीमा का मान रख देते हैं, और जब इनडिटर्मिनेट रूप था तो वैसे रूप को हम लोग हटा दिए थे। क्लियर, बना लो, लास्ट में एग्जांपल करेंगे, अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं पहले पूरा, जल्दी। अब देखिए, ये भी चीज जरूरी है आपको, सूत्र है ना, सीमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र में पहला सूत्र है, सीमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र में पहला सूत्र है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटा थीटा बराबर 1। यहाँ टेंस टू 0 होना चाहिए तब इसका मान 1 होता है, यहाँ अनंत नहीं, बहुत ही मार्वेलस क्वेश्चन है अनंत वाला, है ना, उसका मान 0 आता है। लेकिन हम लोग को ये जानना है फिजिक्स में, वो मैथ में जानना है, और लिमिट
थीटा टेंस टू, ध्यान देना बच्चों, थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बराबर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। बोलो, देखा था ना ग्राफ खींचे थे साइन एक्स का, तो हमेशा इसका मान माइनस वन से वन के बीच था, माइनस वन से वन के बीच, कोई भी कोण रखे थे तो हमेशा इसका मान माइनस वन से वन के बीच ही था, है ना। उसी का यूज करके हम लोग इसका मान निकालते हैं जब यहाँ अनंत रहता है टेंस टू तब। चलिए, उससे नहीं मतलब है, बस हम आपको हिंट थोड़ा सा दे देंगे उसका। लिमिट थीटा टेंस टू जीरो कॉस थीटा बराबर वन, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा। तीसरा नंबर, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो टेन थीटा बटा में थीटा बराबर वन, और या और इंग्लिश मीडियम में और या, तो या लिमिट थीटा टेंस टू जीरो टेन थीटा बराबर थीटा, यानी हम यहां से कह सकते हैं कि जब थीटा का मान बहुत छोटा हो तो इस दोनों को देखो तो आरएचएस बराबर तो एलएचएस बराबर, है ना। यानी यहां से क्या पता चला कि जब थीटा का मान बहुत ही छोटा हो तो साइन थीटा टेन थीटा के बराबर होगा। अरे वाह, जब थीटा टेंस टू जीरो या थीटा का मान अत्यंत ही छोटा हो, देखना ये रेडियन में होता है बाबू, साइन 30 डिग्री का मान तो 1 बाई टू रेडियन में आएगा, तो ये भी रेडियन में होगा ना, कि साइन 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री, 1 बाई टू बराबर 30 डिग्री नहीं। अरे ध्यान दो, साइन 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री ऐसे नहीं, साइन 30 डिग्री बराबर 1 बाई टू, तो यहां रेडियन में मान का बात हो रहा है, रेडियन में आपको बताए हैं रेडियन। हाँ, तो देखो बच्चों पहला ही लेक्चर में बताए हैं इंट्रोडक्शन में, तो जब थीटा टेंस टू जीरो या थीटा का मान अत्यंत ही छोटा हो तो साइन थीटा बराबर टेन थीटा होता है। ये सब तो कितना साथ देगा तुम्हारा, देखना ना, बहुत ज्यादा साथ देगा बाबू, बहुत ज्यादा। तो इसको एक को प्रूफ करेंगे बस, सब प्रूफ हो जाएगा। देखो स्टाइल मारते हैं, ये तो डायरेक्ट एक लाइन में प्रूफ हो गया कि ये अपरिभाषित रूप है, ये तो सॉरी ये परिभाषित रूप है, ये तो आराम से अपरिभाषित ये है, अपरिभाषित ये नहीं है। कैसे? क्योंकि थीटा का मान जीरो रखो, ध्यान देना यहाँ जीरो बाई जीरो आ रहा है, साइन जीरो का मान जीरो और जीरो, तो बताइए जीरो बाई जीरो कट के वन नहीं, प्रूफ करेंगे तब वन। हाँ, लेकिन यहाँ ये अपरिभाषित रूप, मतलब ये इनडिटरमिनेट रूप में है लेकिन ये इनडिटरमिनेट रूप में नहीं है। देखो ये डायरेक्ट आ जाएगा, थीटा का मान जीरो रखो कॉस जीरो वन, एक बार में आ गया, और ये अगर अभी ला देंगे ये पता ही है तो ये आ जाएगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, और ये पता है तो ये तो आ ही गया है। बोलो थीटा से वन में मल्टीप्लाई होगा तो थीटा आएगा, थीटा में वन से गुना होगा तो थीटा आएगा। अरे बोलो बोलो, हाँ बस अच्छे से ध्यान से देखते रहिए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है ना। तो चलिए, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बटा में थीटा बराबर वन, कॉस थीटा बराबर वन, टेन थीटा बटा थीटा बराबर वन, कब? जब लिमिट थीटा टेंस टू जीरो हो तब। अब इसमें लोग कंफ्यूज करने लगते हैं, इसको पहले इसीलिए हम बता दे रहे हैं, थीटा टेंस टू अनंत और साइन थीटा बटा थीटा बराबर जीरो होता है बाबू, तो यहाँ पे अगर कोई अनंत दे देगा तो यहाँ पर मान तुरंत बोल देगा वन, गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे सामने यही रहता है साइन थीटा बटा थीटा बराबर वन, तो इसीलिए तुमको याद रहता है साइन थीटा बटा थीटा बराबर वन, और लोग यहाँ पे लगा दिया लिमिट थीटा टेंस टू जीरो की जगह थीटा टेंस टू अनंत, फंस जाओगे, नहीं फंसना है। देखो कैसे, साइन थीटा का मान तो हमेशा जीरो से वन के बीच, माइनस वन से वन के बीच होता है, चाहे थीटा का मान कुछ भी रहे, और थीटा की जगह यहाँ अनंत, ध्यान देना बच्चों ध्यान देना, बहुत ही दम है बात में, इस बात में बहुत दम है, इतना आसान मत समझो। साइन थीटा का मान हमेशा माइनस वन से वन के बीच होता है, अभी हम ग्राफ बनाकर थोड़ा सा समझाएं, ग्राफ पढ़ाएं, देखो हाँ कोई भी कोण ले लो, साइन थीटा का मान हमेशा साइन एक्स का मान वाई बराबर साइन एक्स का ग्राफ कीजिए, साइन एक्स का मान हमेशा हमेशा माइनस वन से वन के बीच होगा। ओके, तो बताइए बच्चों, ये तो माइनस वन से वन के बीच हो गया, कुछ भी संख्या है, चलो और बड़ा में अनंत, यहाँ अनंत रखो कुछ भी रखो माइनस वन से वन के बीच होगा, और अब बताइए यहाँ अनंत, तो थीटा का मान अनंत, अनंत मतलब वन बाई जीरो, जीरो ऊपर चला जाएगा, देखो देखो वन बाई जीरो, जीरो ऊपर चला जाएगा। अरे यार और बढ़ाए आगे, चलो पहले इसको देख लो, अनंत थीटा का मान अनंत, अनंत मतलब वन बाई जीरो,
जीरो ऊपर चला जाएगा, देखो ध्यान दो, तो जीरो ऊपर जाएगा। तो बताइए जीरो से गुना होगा कुछ भी संख्या में तो जीरो आएगा। कुछ भी संख्या मतलब क्या, यहाँ पर माइनस वन से वन के बीच कोई निश्चित ही मान रहेगा। अरे बोलो, तो इस तरह से इसका मान आता है जीरो। लोग यहाँ पे और यहाँ पे कंफ्यूज करते, इसलिए पहले इसको बता दिए, ठीक है ना। चलिए लिख लीजिए इसको। अब देखो दोस्तों, सब कुछ तोड़ दे रहे हैं, ध्यान दो। लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बटा थीटा बराबर वन, या थीटा से गुना हो जाएगा तो लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बराबर थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन कॉस थीटा बराबर वन, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो टेन थीटा बटा थीटा बराबर वन, तो थीटा से गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो ये और ये सेम है, ये सेम है। अगर आरएचएस बराबर है तो एलएचएस बराबर होगा कब, जब थीटा टेंस टू जीरो होगा तब, यानी थीटा का मान बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा टेन थीटा के बराबर होगा। बहुत काम देगा आगे, देखना ना जल्दी जल्दी फास्ट। तो पहले इसको प्रूव करते हैं, ये तो क्लियर हो गया। ये है जीरो बाय जीरो रूप, साइन जीरो जीरो बटा जीरो, जीरो बाय जीरो रूप। तो इसको प्रूव करते हैं। और ये कॉस जीरो वन, ये तो इनडिटरमिनेट रूप नहीं है, ये इनडिटरमिनेट रूप है। यहां भी टेन जीरो जीरो और बटा में जीरो, जीरो बाय जीरो। तो इसी दोनों से ये आ जाएगा सॉर्टिंग। देखो जल्दी जल्दी, तो अब देखिए बच्चों प्रूफ करते हैं, एक एकदम तुरंत शॉर्ट में प्रूफ कर देते हैं, विश्वास हो जाएगा। कुछ लिखते नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स हम लोग नहीं पढ़ रहे, फिजिक्स में पढ़ना है इसलिए। देखो बाबू, आप यहां से चलना स्टार्ट किए बिंदु से, यहां तक पहुंचे भी बिंदु तक, चाप की लंबाई एल है, ठीक है ना। और यहां त्रिज्या आर है, ये कोण थीटा है, यहां से यहां लंब डाल दिया बिंदु एम, तो लंब एच है मान लो। तो बताओ यहां से क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, ये त्रिज्या आर है तो ये भी आर होगा। तो यहां लंब है बी एम और बटा में कर्ण है ओ बी। जल्दी बोलो, हाँ, लंब है एच और कर्ण है आर। तो बताइए साइन थीटा बराबर आ गया एच बाई आर। चलो एक बात तो क्लियर अच्छे से हुआ होगा, नो टेंशन, नो टेंशन। ध्यान दीजिए बच्चों, कुछ लिख नहीं रहे हैं क्योंकि सबको समझा दे रहे, तो फिर क्या लिखना है। अब मैं फिजिक्स थोड़ी ना हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्लाइंट से थ्योरी लिखते चल रहे हैं, लिखते चल रहे हैं, तब है ना। मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट प्रूफ कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसे ही समझ लीजिए, लेकिन पूरा समझ में 100% आ रहा है आपको ना, कि जब कोई वस्तु आती है वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो, है ना, बस बोल दे रहे हैं समझना। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर आरती ज्वाला वृत्ताकार पथ पर बिंदु ए से बी तक जाती है तो उसके द्वारा केंद्र पर थीटा कोण बनता है तथा चाप की लंबाई एल प्राप्त होती है। सिंपल सा बात है ना। अब बताओ बच्चों, यहां से यहां तक लंब डाल दिए, बनावट बी से बी एम लंब ओए की चाप। बोलो बोलो, अब देखो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब बी एम कर्ण ओ बी। तो देखो सामने, अब बताइए जब थीटा अत्यंत ही छोटा हो जाए, जब उसके बाद यहां से कि जब थीटा क्या सिद्ध करना है, तो ये लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बटा थीटा बराबर वन वन, या लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बराबर थीटा में एक से गुना होगा तो थीटा। क्लियर। अब देखिए जब थीटा टेंस टू जीरो यानी थीटा अत्यंत ही छोटा हो जाए तो, देखिए बच्चों जब थीटा बहुत ही छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, तो हो जाए तो अत्यंत ही छोटा, चलिए थीटा टेंस टू जीरो मतलब थीटा अत्यंत ही छोटा हो जाए तो एच टेंस टू एल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बात में दम है, बात में दम है। कैसे, सो देखिए अब फिगर थोड़ा हम ऐसे बनाते हैं, थीटा बहुत छोटा बना दिए, देखो है ना बहुत छोटा थीटा, यहां दिख रहा है ना बहुत छोटा कौन बन रहा है, वाह थीटा। चलो यहां पर अब बताओ जो लंब डालेंगे वो चाप की लंबाई के बराबर होगा,
देखो बच्चों यही बात समझना है, यहाँ पे बिंदु ए है और यहाँ पे बिंदु बी है। समझने के लिए और बड़ा फिगर बना देते हैं थोड़ा सा, लेकिन भावनाओं को समझिएगा। क्योंकि लगना चाहिए कि लंब जो डाले हैं वो लगभग चाप के बराबर है। तो बताइए यहाँ बिंदु ए है, यहाँ बिंदु बी है, ये लंब भी है और चाप की लंबाई भी है। यानी टेंस टू का मतलब क्या कि लगभग बराबर हो गया ना, हो गया ना। अब बताओ बच्चों कि जैसे ही थीटा का मान बहुत ही छोटा होगा तो एच और एल बराबर हो जाएगा, क्योंकि बी एस एन एल लंब डाले थे। यहाँ देखो तो बी एस एन एल लंब डाले थे इस पर, तो बताइए जो लंब डालेंगे वो शाप के लंबाई के बराबर हो गया, हुआ ना, हुआ ना। अब बताओ बच्चों कि जब थीटा टेंस टू जीरो होगा तो एच टेंस टू एल मतलब एल लगभग एच को छूने ही वाला है कि नहीं। अब देखो यहाँ भाग दे दोगे तो काम हो जाएगा। साइन थीटा याद है, थीटा बराबर एल बाई आर, बोलो बोलो, थीटा बराबर एल बाई आर। अब बताओ बच्चों कि थीटा बराबर एल बाई आर है तो यहां से देखो तो जरा सा, अरे बोलो बोलो, थीटा बराबर एल बाई आर, बताइए थीटा साइन थीटा यहां से आ गया एच बाई एल, क्लियर हो रहा है ना। साइन थीटा आ गया लंब बटा कर्ण एच बाई आर, और यहां पे कितना थीटा बराबर एल बाई आर होता है, याद है, अरे याद है, थीटा बराबर एल बाई आर होता है, तो थीटा बराबर एल बाई आर। अब बताओ यहां से अगर हम साइन थीटा में थीटा से भाग दे दे तो देखो क्या आएगा, एच बटा आर बटा एल बटा आर, तो साइन थीटा बटा थीटा बराबर एच बटा आर इंटू आर बटा एल, आर से आर कट गया, एच बटा एल। अब बताओ इधर अगर लिमिट लेंगे तो उधर भी लिमिट लेंगे, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो क्योंकि थीटा वाला साइड थीटा लेंगे, और लिमिट एच टेंस टू एल, एल तो एच बाई एल आ गया, आ गया। तो बताओ बच्चों कि अब ये ये जीरो बाय जीरो रूप आ रहा है, देखो जीरो बाय जीरो रूप यहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ यहाँ साइन जीरो जीरो बटा में जीरो, लेकिन यहाँ देखो एल जैसे ही हम रखेंगे एच का मान हम खत्म आ गया। तो बताइए लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बटा में थीटा। अब बताओ एच जो है वो एल के बराबर है, यानी लगभग बराबर, लास्ट में रख देते हैं हम लोग मान, तो कट के कितना गया वन, अरे वाह आ गया सर। तो लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बटा थीटा बराबर वन आ गया कि नहीं आया, आ गया। तो बताइए बच्चों लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बटा थीटा बराबर वन, तो थीटा से गुना होगा तो फिर यही हो जाएगा कि नहीं आएगा। लास्ट रिपीटेशन कर रहे हैं, एकदम पानी पानी हो गया होगा अच्छे से, 100% क्लियर, बोलो। बताओ बच्चों यहां से अगर हम लोग चलेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा लंब बटा कर्ण, क्लियर, एच बटा आर, और जब थीटा बहुत छोटा होगा तो लंब जो हो जाएगा वो चाप पे ही होगा, ये सामने दिखाई दे रहा है तुमको, इसमें वहां लंब अलग है लेकिन धीरे धीरे जब कोण घटता जाएगा तो लंब उसी चाप पे हो जाएगा। बोलो तो लंब जब चाप पे ही हो जाएगा तो एच टेंस टू एल कब, जब थीटा टेंस टू जीरो, थीटा का मान बहुत छोटा हो जाएगा तो एच एल के बराबर हो जाएगा लगभग, क्लियर है ना। अरे थीटा बहुत छोटा तो लंब उसी पे आ जाएगा, क्लियर। तो थीटा टेंस टू जीरो अत्यंत ही छोटा हो जाए तो एच टेंस टू एल हो जाएगा, बहुत अच्छा। थीटा बराबर होता है एल बाई आर, बहुत अच्छा। साइन थीटा बटा थीटा एच बाई आर, साइन थीटा एच बाई आर, थीटा एल बाई आर, ये ऊपर ये नीचे रह जाएगा, आर से आर कट गया एच बाई एल। अगर इधर थीटा वाला में थीटा टेंस टू जीरो लेंगे तो राइट साइड एच टेंस टू एल लेंगे, एच के जगह एल रखेंगे तो कट के वन आ गया, प्रूफ हो गया, क्लियर। जल्दी उतारो, जल्दी, फास्ट फास्ट। और कॉस थीटा पता है तुमको, अभी तुरंत बता दिए कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो एक लाइन में आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये जीरो बाय जीरो रूप नहीं है, तो डायरेक्ट थीटा का मान जीरो रखो, कॉस जीरो वन आ गया, और भाग दे दोगे तो आ जाएगा टेन वाला, बोलो जल्दी जल्दी फास्ट। साइन वाला प्रूफ करने भर देर था, बाकी तो खत्म है ना। अब देखो बच्चों यहां से लिमिट, अभी नहीं कि दोनों के लिए अलग अलग लिमिट लिखेंगे, दोनों का एक साथ लिमिट, साइन थीटा बटा थीटा है और नीचे कॉस थीटा है,
तो साइन थीटा बटा थीटा का मान वन और कॉस थीटा का मान भी वन। अब बताओ साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा आ गया और बटा में थीटा बराबर वन आ गया। अरे अरे बोलो तो ध्यान दो बच्चों ध्यान दो। लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, साइन थीटा बटा थीटा का मान वन होता है बहुत अच्छा, कॉस थीटा का मान वन होता है बहुत अच्छा। तो जब इसमें इससे भाग दे दिए तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा बटा में थीटा बराबर वन आ गया, प्रूफ हो गया। और थीटा से वन में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा वही। अरे बोलो जल्दी जल्दी फास्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चन से ही फिजिक्स के लिए लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर। लेकिन याद रखना इसको कभी मत भूलना, तुझे भूलना तुझा लेकिन भूला न पाए, जितना भूला न चाह तुम उतना याद आए। ऐसे तुझे भूलना तुझा लेकिन भूला न पाए। एम भी है ना। ओके आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन बाई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, हम बना लेंगे इस तरह के लिमिट आराम से। एक और मेथड बताएंगे आगे एल्हॉफ्टर रूल जब हम अवकलन पढ़ेंगे तब। देखो तो जीरो बाय जीरो रूप है पहले, ये चेक करते हैं, नहीं रहेगा तो डायरेक्ट मान रख देंगे, बता चुके। तो बताओ बच्चों अगर तीन रखेंगे तो तीन का स्क्वायर नौ माइनस नौ जीरो, तीन का स्क्वायर नौ और छ पंद्रह और माइनस पांच या पंद्रह, पंद्रह माइनस पंद्रह जीरो, जीरो बाय जीरो रूप है। आपको याद होगा हाँ कि लगभग हम या तो एलएचएल या आरएचएल का बात करते हैं, याद होगा। तो बताओ बच्चों अब तरीका तो पता चल चुका है बनाने का, समझा चुके हैं। एक्स टेंस टू थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाह इसको तोड़ो तीन दूना छह आ जाएगा, माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, बोलो फर्स्ट इंटू लास्ट ना, तो क्वांटिटी पढ़ाए देखे ना वहां है ना। तो क्वांटिटी इक्वेशन द्विघात समीकरण बताए हैं, तो सिक्स एक्स स्क्वायर तीन दूना छह और तीन दो पांच है ना, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा और जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। तो बताइए बच्चों लिमिट पहले हम जीरो बाय जीरो रूप को हटाना चाहते हैं, जीरो बाय जीरो रूप के जैसा जो दिख रहा है उसको हटाना चाहते हैं। तो बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और एक्स बाहर एक्स माइनस थ्री माइनस टू बाहर एक्स माइनस थ्री। अब बताओ नीचे एक्स माइनस थ्री कॉमन हो गया एक्स टेंस टू थ्री, तो एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा बाबू। एक्स माइनस थ्री बाहर ले लिए तो एक्स माइनस टू बच गया, ये कैंसिल हो गया। अब डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे क्योंकि जीरो बाय जीरो रूप समाप्त हो गया। अरे कुछ नहीं है, ध्यान दो जल्दी 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 जल्दी, नौ को लिख सकते हैं तीन का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और ये फर्स्ट इंटू लास्ट पे टूट गया, एक्स कॉमन हो गया तो एक्स माइनस थ्री बच गया, माइनस टू कॉमन हो गया तो एक्स माइनस थ्री बच गया, एक्स माइनस थ्री बाहर आ गया, कट गया दोनों, अब जीरो बाय जीरो रूप समाप्त हो गया। तो बताइए बच्चों डायरेक्ट लिमिट का मान रख दें, तो तीन प्लस तीन बटा तीन माइनस दो छ बटा एक बराबर छ आंसर है। कुछ लगा भारी नहीं, फिजिक्स में ऐसा ही कुछ यूज आएगा। हाँ जल्दी जल्दी फास्ट, साइन थीटा बटा थीटा बराबर वन याद रखना, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो। जल्दी अब देखो बाबू एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं थोड़ा सा है ना, फिर तो आपको ब्रह्मास्त्र बताएंगे एकदम। एल्हॉफ्टर रूल जो है वो इसके लिए ब्रह्मास्त्र है। देखो जब वो कलम पढ़ेंगे उस समय आपको समझा देंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट वन प्लस एक्स बाई एक्स, लग रहा है जीरो बाई जीरो, थोड़ा चेक कर लो। जीरो रख दिए तो वन आ गया, यहाँ जीरो रख दिए तो वन आ गया, वन माइनस वन जीरो बाई जीरो आ गया, जीरो बाई जीरो
जीरो बाई जीरो रूप है। तो सबसे पहले हम इसको हटाना चाहेंगे, और आपको याद होगा हाँ, जब ऐसा दिखता था रूट में माइनस या प्लस के साथ, तो उसके जस्ट अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते थे हाँ। तो याद करो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, देखो बच्चों रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स बाई एक्स, अब देखो इसी के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा रे बाबा, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स का रूट बाय अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट वन प्लस एक्स, क्लियर? अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस से गुना, दोनों ऊपर नीचे, तो क्या अंश और हर में गुना कर दिए, कट जाएगा वही आ जाएगा फिर से, जल्दी बोलो, अरे ये कट के फिर वही आ जाएगा, यस सर। तो बोलिए सर फायदा हुआ, देखिए क्या फायदा हुआ, हम चाहते हैं कि जीरो बाय जीरो रूप का जैसा जो हो वो हट जाए। तो बताइए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाय एक्स इंटू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स, क्लियर? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट से स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, जल्दी उधर उतार लो जल्दी बच्चों, उतार लिया होगा। अब देखो ज्यादा नहीं क्वेश्चन हमको बनाना है, बस कुछ बना देते हैं है ना, आप तो आइडिया मिल जाएगा तो सब बना लेंगे आप, लेकिन एक बहुत अच्छा ब्रह्मास्त्र बोले हैं जरूर, जिससे सब बहुत अच्छे से बहुत आसानी से एकदम बन जाएगा बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिमिट का। तो जैसे मैथ के साथ तो आपको पढ़ाएंगे स्क्वायर से रूट खत्म है ना, हमको भी बहुत ज्यादा अवकलन करना पड़ता है बीच बीच में, तो इसीलिए हम भी उसको समझा दिया करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फिजिक्स में यूज है स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, एक्स एक्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स, माइनस होगा तो कट जाएगा, एक लाइन कम कर दें, देखो ये माइनस होगा वन, ये प्लस वन है कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स कॉमन, एक्स माइनस वन, सही है बच्चों? अब कितना, तो एक्स कॉमन हो गया, बहुत अच्छा, यहाँ पे अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, बढ़िया, और प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स आ गया। अब देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, तो नीचे में एक्स भी था, कट गया, अरे बोलो बोलो, अरे बोलो, तो यहां पे क्या आ गया, अब हम लिमिट आराम से पुट कर सकते हैं, तो पुट कर दो, तो यहां जीरो रखेंगे तो जीरो माइनस वन बाई, यहां रखेंगे अंडर रूट वन प्लस जीरो का स्क्वायर जीरो, और अंडर रूट वन प्लस जीरो तो आ गया माइनस वन बाई वन प्लस वन टू, बह टफ लगा बच्चों, अरे बोलो यार टफ लगा, चलो एक बार ध्यान से जल्दी देखो, माइनस वाला है तो प्लस वाला से गुना भाग कर दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताओ कि यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि नीचे में इतना आ गया, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बहुत बढ़िया, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स हो जाएगा, तो वन से वन कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बच गया, एक्स कॉमन लिए तो एक्स माइनस वन बच गया, एक्स एक्स कट गया क्योंकि नीचे में एक्स था तो कट गया, तो x माइनस वन बटा में इतना आ गया, अब हम लिमिट पुट कर सकते हैं क्योंकि जीरो बाय जीरो समाप्त हो गया, तो बताओ बच्चों क्या हो गया, तो जीरो माइनस वन बाई अंडर रूट वन प्लस जीरो प्लस अंडर रूट वन प्लस जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो आ जाएगा माइनस वन बाई टू आंसर, क्लियर हो गया? तो आप बना लेंगे ऐसे ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा, एक और देख लेते हैं साइन थीटा बाई थीटा वाला थोड़ा सा, जल्दी जल्दी फास्ट बस एक और देख लेते हैं, तो लिमिट का क्वेश्चन आएगा, बढ़ा देगा तुम लोग है ना, मैथ में
मैथ का जितना यूज है फिजिक्स में उतने पे हम लोग सीख रहे हैं। अब देखिए x टेंड्स टू जीरो साइन टू एक्स बाई एक्स, तो बताओ यहां पे थीटा है, थीटा है ना, तो ये थीटा तो ये भी थीटा रहना चाहिए उतना ही, तो क्या कैसे आएगा सो देखो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, बढ़िया बढ़िया। अब बताओ हम 2x को क्या मान लें, तो थीटा मान लेते हैं, हाँ, या फिर डायरेक्ट आप ऐसे बना सकते हैं साइन 2x बाई 2 से नीचे गुना कर दो और 2 से ऊपर गुना कर दो, बात देखिए 2 से नीचे गुना 2 से ऊपर गुना करेंगे तो जैसे ही गुना करेंगे वैसे ही दोनों कट करके और फिर वही आ जाएगा। तो बताइए साइन थीटा बाई थीटा, अच्छा यहां 2 से गुना भाग कर दे, नो टेंशन नो टेंशन, तो यहाँ पे 2x टेंस टू 0 ही होगा क्योंकि 2 से इधर गुना 2 से इधर गुना, तो बताइए ये इसका मान कितना 1 इंटू 2 बराबर 2, ये हो गया डायरेक्ट बनाने का तरीका, कुछ नहीं ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, यहाँ 2 से 2 से गुना कर देंगे ये खत्म, 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया इंटू 2 2 आंसर, अरे 2 से गुना भाग करेंगे बोलो, तो इसका मान 1 इंटू 2 बराबर 2 आंसर डायरेक्ट, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप डिटेल में चाहें बनाना तो ऐसे जल्दी जल्दी लिख लो इसको या ऐसे मान लेंगे, माना कि 2x बराबर थीटा, तो बताइए लिमिट, तो x बराबर आ जाएगा थीटा बाई 2, तो बताइए थीटा बाई 2 टेंस टू 0 x के जगह थीटा बाई 2 और यहां पे साइन 2x के जगह थीटा और x के जगह थीटा बाई 2 2 ऊपर चला जाएगा लिमिट, अब बताइए कि 2 से गुना होगा, अरे टेंस टू मतलब लगभग बराबर, तो थीटा बाई 2 बराबर 0 होता तो थीटा बराबर 2 इंटू 0 0 होता, अरे टेंस टू मतलब लगभग बराबर, यानी कि 2 से अगर गुना करेंगे चाहे ऐसे करो 2 से इधर गुना कर दो 2 से इधर गुना कर दो तो थीटा टेंस टू 0 आएगा 2 ऊपर जाएगा साइन थीटा बटा में थीटा, पहचानते हो इसको, थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटा थीटा का मान 1 यानी 2 इंटू 1 बराबर 2 आंसर 2 ही आया आया, यानी 2x को हम थीटा मान लिए तो 2x की जगह थीटा रख दिए, x की जगह थीटा बाई 2 रख दिए, तो यहां भी x की जगह थीटा बाई 2 रख दिए, अगर 2 से गुना होगा तो वही आ जाएगा क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग बराबर यानी वही होता है, यानी कि टेंस टू मतलब लगभग बराबर, ओके। तो बताइए बच्चों कि 2 से गुना होगा तो थीटा टेंस टू 0 आ जाएगा और 2 पर साइन थीटा बाई थीटा बराबर 1 यानी 2 इंटू 1 बराबर 2 आंसर, क्लियर हो गया। तो इस तरह से लिमिट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन फिजिक्स में हमको जितना यूज है हमने पढ़ा और अगले लेक्चर में लेके आते हैं अवकलन।